लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स. तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में दिया है व्हेन अ सरफेस इज रेडिएटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ. तो हमें यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ है, तो लेट अस राइट इट डाउन. तो वेवलेंथ जो है लाइट का वो कितना दिया है, वो दिया है 4950 एंगस्ट्रम दिया गया है. ठीक है, अ फोटो करेंट अपीयर्स, एक फोटो फोटो करेंट अपीयर्स. तो जब ये दिया है राइट, व्हेन दिस वेवलेंथ इज इरेडिएटेड, व्हेन द सरफेस इज इरेडिएटेड विद दिस वेवलेंथ, मतलब दिस लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस. तो कह रहे हैं कि फोटो करेंट अपीयर्स, फोटो करेंट अपीयर्स राइट. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट राइट, दिस इफेक्ट स्टार्ट्स, इट टेक्स प्लेस. तो जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, और कह रहे हैं कि ये यहाँ पे राइट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट्स तो पहले ही हो जाता है, लेकिन जो यहाँ पे दो प्लेट्स हैं राइट, जो ये कैथोड है और जो एनोड है राइट, तो एक तो है फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाए और यहाँ कहीं बीच में आ जाए राइट, अगर उसका काइनेटिक एनर्जी सफिशियंट नहीं है, और एक है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, अगर उसका काइनेटिक एनर्जी सफिशियंट है तो. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सफिशियंट है तो वो यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो एमीटर हमें क्या दिखाएगा, एमीटर हमें करंट दिखाएगा, रीडिंग दिखाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिखाएगा राइट. वो शो करेगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, एमीटर से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं और कलेक्टर उसको कलेक्ट कर रहा है, और ये पूरा सर्किट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है राइट, इस तरह से. और कह रहे हैं कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो यहाँ पे आया है जो करंट, वो करंट जीरो हो जाएगा अगर हमने एक स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया राइट, इफ अ रिटार्डिंग पोटेंशियल ग्रेटर देन. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वी नॉट या वी एस कहिए आप, वो 0.6 वोल्ट, अगर वो हमने लगा दिया रिटार्डिंग पोटेंशियल ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो जो करंट है वो जीरो हो जा रहा है. तो मैंने आपको समझाया था रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डिरेक्शन में जा रहा है, इधर इसका वेलोसिटी है, तो अगर हमें इसे रिटार्ड करना है तो उस पर जो फोर्स लगना चाहिए फोर्स इधर लगना चाहिए ठीक है, वो फोर्स इधर लगना चाहिए ठीक है, ये उसका वेलोसिटी है. तो अगर उसका वेलोसिटी उधर है तो उसका एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए, तो फोर्स इधर लगना चाहिए. तो फोर्स अगर इधर लगना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, तो उस पर जो फोर्स है वो लगेगा माइनस ई ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगता है फोर्स, किस पे, नेगेटिव चार्ज पे, तो वो डिसेलरेट होगा, वो डिसेलरेट होगा, और फिर अगर सफिशियंट फोर्स है तो वो रुक भी जाएगा, यानी उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करना होगा इस तरह से, ताकि ये हायर पोटेंशियल पे हो, ये लोअर पोटेंशियल पे हो, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और उसको रिटार्ड करेगा, उसको रोकेगा ठीक है, और जब वो उसको पूरी तरह रोक देगा तो करंट जीरो हो जाएगा ठीक है. तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये इंसिडेंट वेवलेंथ है ठीक है, ये इंसिडेंट वेवलेंथ हो गया, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया. तो जब ये लगाया गया तो वो रुक गया ठीक है. तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग यहाँ से वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं. ये ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पे डेटा दिया है, लैम्डा दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा के ई मैक्स राइट. के ई मैक्स कितना होगा, के ई मैक्स हो जाएगा ई वी नॉट ठीक है, ई इंटू 0.6 वी नॉट. मतलब क्या है, मतलब 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो सॉरी, ये वी नॉट है, और ये वी नॉट नहीं है, ये वी है, वोल्ट है. तो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया काइनेटिक एनर्जी ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गया है, आपको इंसिडेंट एनर्जी आप निकाल सकते हो. तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन से आप इस सरफेस का वर्क फंक्शन निकाल सकते हो, जो कि क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया, जो कि क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में यूज होगा ठीक है. तो अभी तक हमने यहाँ तक हमने पढ़ा है, और इसके हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं कि ये जो दिया है, तो यहाँ से आपको पता है कि इंसिडेंट एनर्जी जो है, इंसिडेंट एनर्जी वो क्या होगा, वो होगा वर्क फंक्शन प्लस इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो होगा. अब इंसिडेंट एनर्जी कितना है, इंसिडेंट एनर्जी है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है, और वर्क फंक्शन हम लोगों को फाइंड आउट करना है. सॉरी, इंसिडेंट एनर्जी आप किससे निकालोगे, इंसिडेंट एनर्जी आप इससे निकालोगे, इस वेवलेंथ से. तो वो हो जाएगा एच सी बाई लैमडा ठीक है, डब्ल्यू नॉट प्लस के ई मैक्स. के ई मैक्स कितना है, वो है 0.6, तो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है. तो यहाँ पे
इसमें जो है एच सी बाई लैमडा में हम लोग क्या करेंगे, एच सी का वैल्यू डालेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंस्ट्रम में, तो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंस्ट्रम हो जाएगा। और इसमें जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ हम लोग डाल देंगे, तो वेवलेंथ हम लोग डाल देंगे एंस्ट्रम में, यानी हम लोग डाल देंगे 4950 एंस्ट्रम, ठीक है, इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये लगभग 2.6-2.7 के आसपास आएगा ये, इसको आप सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो है हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स हम लोगों को यहाँ से इसका वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को 2.5, ठीक है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो जो LHS है वो हमको मिल जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये क्या है, ये है वर्क फंक्शन यानी W नॉट प्लस ये क्या है, ये 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को वर्क फंक्शन मिल जाएगा 2.5 माइनस 0.6, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम लोग चाहे तो जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इफ़ यू वांट वी कैन कन्वर्ट दिस, बट अभी हम लोग को इसको सेकेंड सिचुएशन में यूज़ करना है। तो हमें वर्क फंक्शन मिल गया मेटल का, ठीक है, हमें मेटल का क्या मिल गया, वर्क फंक्शन मिल गया। अब सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में दिया गया है कि व्हेन अ डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट इज यूज्ड, व्हेन अ डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट इज यूज्ड, यानी अब वेवलेंथ चेंज किया होगा, इट इज फाउंड दैट द क्रिटिकल रिटार्डिंग पोटेंशियल चेंज हो गया, इज चेंज टू 1.1, पहले रिटार्डिंग पोटेंशियल 0.6 था वोल्ट, अब रिटार्डिंग पोटेंशियल हो गया 1.1 वोल्ट, तो अब रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ गया है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया होगा उसका, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है तो इसका मतलब ये है कि जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो वेवलेंथ घटा होगा, क्योंकि जब वेवलेंथ घटता है तो टोटल एनर्जी बढ़ता है, जब टोटल एनर्जी बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा गया है यहाँ पे कि फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द एमिटिंग सर्फेस, वो हमने निकाल लिया, वर्क फंक्शन निकाल लिया, एंड द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड सोर्स, तो इसको हम लोग यूज करेंगे सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तो आइए अभी इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आपको रिटार्डिंग पोटेंशियल 1.1 दिया है, तो सेकेंड पार्ट के लिए आप के ई मैक्स फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग के ई मैक्स फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से, जो के ई मैक्स होता है वो होता है ई वी एस, यानी ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई वी एस दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो सेकेंड पार्ट के लिए वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमने मेटल नहीं चेंज किया है, तो वर्क फंक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा, ठीक है, वर्क फंक्शन वही है। और जो सेकेंड केस में जो के ई मैक्स है सेकेंड केस में, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नॉट 1 हो गया, तो इधर का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ई वी नॉट 2 है, और वो अपने को दिया गया है 1.1 वोल्ट, इसका मतलब ये हो गया कि ये हो चुका है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें के ई मैक्स दे दिया, ठीक है, और हमें वर्क फंक्शन पता है। तो अब जो इंसिडेंट एनर्जी होगा सेकेंड केस में, राइट, इंसिडेंट एनर्जी, तो इंसिडेंट एनर्जी क्या होता है, वो होता है एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, ये हो जाएगा वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स, वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स, अभी वर्क फंक्शन का वैल्यू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और के ई मैक्स का वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप ऐड करोगे ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस अब आपको यहाँ से सॉल्व करके लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इससे लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एच सी का वैल्यू आप डाल दीजिए, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंस्ट्रम और डिवाइड बाई लैम्डा, सॉल्व करने से लैम्डा डायरेक्टली एंस्ट्रम में आ जाएगा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आपको जो लैम्डा का वैल्यू है, राइट, जो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू है वो डायरेक्टली आपका एंस्ट्रम में आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल होगा, एंस्ट्रम बचेगा। ये हमने सिर्फ लिखा है लैम्डा इन एंस्ट्रम, ये लैम्डा इनटू एंस्ट्रम नहीं है, लैम्डा इन एंस्ट्रम है, ठीक है, इज नॉट लैम्डा इनटू एंस्ट्रम, एंस्ट्रम एंस्ट्रम कैंसिल नहीं हो रहा है, ये है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंस्ट्रम इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये लैम्डा इन एंस्ट्रम, ये लैम्डा इनटू एंस्ट्रम नहीं है, ठीक है। तो जो यहाँ से वेवलेंथ आएगा वो सीधा एंस्ट्रम में आ जाएगा, तो वेवलेंथ आ जाएगा यहाँ से 12400 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा यहाँ से 3 4 12, 3 1 3 3 हो गया, 10 बचा, ठीक है, 10 बच गया, तो आप लिख दोगे 3 3 9, राइट, 3 3 9 हो जाएगा, और फिर 3 3 9 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर है डायरेक्टली किस में आ गया, डायरेक्टली एंस्ट्रम में आ गया, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर लीजिए,
राइट, थ्री फोर जा 12, थ्री वन जा 3, 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है, ओके। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो गया। तो आइए हम लोग लेते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखते हैं एक और आसान क्वेश्चन यहाँ पे। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इफ द वर्क फंक्शन ऑफ अ टारगेट मटेरियल इज 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वर्क फंक्शन दिया है। तो बेसिकली बोला गया है कि हमें वेलोसिटी निकालना है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो ये डायग्राम देखिए आप, ये यहाँ पे जो टारगेट मटेरियल है, इस टारगेट मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है, राइट, जो वर्क फंक्शन है वो हमें दिया गया है, वो हमें दिया गया है 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे हमें दिया गया है, इसका वर्क फंक्शन दिया गया है, ठीक है। एंड द वेव लेंथ ऑफ द इंसीडेंट लाइट, तो जो इंसीडेंट लाइट है उसका जो वेव लेंथ है, वो वेव लेंथ हमें दिया गया है 4.36 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर। 4.36 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर दिया गया वेव लेंथ। आप उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो वो हो जाएगा 4360 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 मीटर। तो ये हो जाएगा 4360 एंगस्ट्रॉम, ऑलराइट। तो हमने क्या किया, हमने वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लिया, 4360 एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ हो गया, ये वर्क फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग को बोला गया है कि ठीक है, ये क्या दिया गया, वर्क फंक्शन, वेवलेंथ ऑफ द लाइट दिया गया, ठीक है। और पूछा गया है व्हाट, पहला सवाल पूछा गया कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं वेलोसिटी के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जो इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी क्या होता है, इंसिडेंट एनर्जी होता है वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स, राइट, के ई मैक्स। तो जो एनर्जी है, राइट, वहां से हम लोग एक्चुअली एच सी बाई ये लैम्डा यूज करेंगे, तो यहां से हमें एनर्जी मिल जाएगा। वर्क फंक्शन हमें दिया गया है 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया, सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही करेंगे। तो यहां से फिर हमें के ई मैक्स मिलेगा, और के ई मैक्स को हम हाफ एम वी स्क्वायर लिख कर हम वहां से V फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो एच सी का वैल्यू डाल देते हैं, वो है 12,400, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। और जो यहाँ से वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ हम एंगस्ट्रॉम में डालने वाले, यानी 4360 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, 1.24, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, प्लस के ई मैक्स, ऑलराइट। तो इसको आप सॉल्व करोगे, राइट, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी और फाइंड आउट करेंगे कि यहां से, सो दिस विल बिकम 2.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दिस इज 2.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस व्हाट इज दिस, के ई मैक्स, ओके। तो यहां से आपको मिल जाएगा के ई मैक्स का वैल्यू, के ई मैक्स का वैल्यू आ जाएगा 2.84 माइनस 1.24, यानी ये हो जाएगा आपका 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आप इसको इक्वेट कर दो हाफ एम वी स्क्वायर से, हाफ एम वी स्क्वायर से। तो आप इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, जूल्स में, तो 1.6, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, वो भी 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, ये जूल में आ गया, इज इक्वल टू हाफ। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31, है ना, के जी, 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 के जी, और ये हो गया वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ से वी का वैल्यू मिल जाएगा, हम लोग को स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप कैलकुलेट करके देखिए, वो स्पीड आएगा 7.43, उसका वैल्यू आ जाएगा 7.43 इंटू 10 रेज टू 5 मीटर पर सेकेंड, इंटू 10 रेज टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा यहाँ से वी का वैल्यू, स्पीड का वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड पार्ट पूछा गया है कि व्हाट रिटार्डिंग पोटेंशियल इज नेसेसरी टू स्टॉप द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि जो के ई मैक्स है, के ई मैक्स यानी अगर इसको पूरा रोकना है हमें, राइट, के ई मैक्स जो है वो ई वी नॉट के बराबर होता है। तो हमें सवाल में पूछा गया कि हमें वी नॉट फाइंड करना है, ठीक है, हमें ये स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है जिसकी वजह से हम फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी रोक सके, ठीक है, जिसकी वजह से एक फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए, ऑलराइट। सो दैट इज वॉट वी हैव टू फाइंड आउट। सो के ई मैक्स पता है हमें, ई वी नॉट होता है, और के ई मैक्स का वैल्यू हमने फाइंड किया वो 1.6, यहाँ पे आप देख सकते हो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इज इक्वल टू ये क्या है, ये है ई वी नॉट। तो यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा, राइट, ई हम इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं,
और यहाँ से हमें मिल जाएगा डायरेक्टली स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 1.6 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे आप अगर एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करोगे, जैसे ये आप देख रहे हो 12400 जो ये वैल्यू है, ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यूज डाल के कैलकुलेट किया तो ये 1.58 वोल्ट आएगा, 1.58 वोल्ट। ये जो एच सी का वैल्यू है 12400, ये थोड़ा अप्रॉक्सीमेटेड है, राइट, ये थोड़ा सा एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है जस्ट कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। तो अगर आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप एच का वैल्यू डालो 6.63 × 10⁻³⁴, सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करो, सब कुछ आप एग्जैक्टली जूल में करो और करके आप कन्वर्ट करोगे तो ये 1.58 वोल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन हमारे जो कैलकुलेशंस है नीट और जेई के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, इससे हमें एक 99% तक आंसर सही मिल जाएगा। तो हमें तो चार ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो मार्क करना है, तो इसके लिए ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एच सी का वैल्यू हम लोग 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम डाल सकते हैं और लैम्डा एंगस्ट्रम में डाल देंगे तो डायरेक्टली ये जो वैल्यू है, ये जो इसका आंसर है डायरेक्टली, जैसे ये 2.84 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल कर आ गया। ठीक है, और बाकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, यहाँ से हमें के मैक्स मिल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6, उसी को हमने ई वी नॉट से इक्वेट कर दिया तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया, उसी को हमने हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट कर दिया तो हमें वी का वैल्यू मिल गया। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को ये दो एग्जांपल समझ में आए होंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और दो एग्जांपल्स लेंगे, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए। ऑलराइट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं। ओके।